खुदा की अजमतें क्या हैं, मोहम्मद मुस्तफा उनको भी याद न करना मौजू की तरफ बहुत इत्मीनान के साथ और सुकून के साथ आपके साथ आ लेकिन बात को थोड़ी देर के लिए हटा दिया करेंगे इनको समझाने के लिए जो हमारे सामने बैठे हुए इन लोगों के लिए भी बात होगी। वो एक अंदाज है कि मैथिली में दो तरीके का खिताब जारी रहेगा तो अब आप बताइए सहाबी से बड़ा कोई है जनाबे उमर सिद्दीक अब्दुल नास बादल फिर उमर उस्मान तरतीब खिलाफत में चौथे मौला मौला तो ऐसे हैं कि उनके अमल का सिलसिला कयामत तक जारी रहेगा। तो बात मेरी समझ में आ गई कि नहीं आती? हम सब सुन्नी लोग हैं, हमारा अकीदा है कोई भी बली हो, कुतुब हो, बहुत हो, दाल हो, अकाल हो, नजबा हो, नफा हो, कुछ भी हो, किसी सहाबी के बराबर क्यों सहाबी का अमल कमल है कि नहीं? जोर से बोलिए। आज चलो है कि नहीं? हो सकता है किसी सहाबी के बराबर है? बाबू ने अभी हजरत साद की हदीस की रवायत किया, ठीक है ना? क्या उन्होंने उसकी तरफ आता हूँ, बहुत इत्मीनान के साथ सुनिएगा। हम ये जो कर रहे हैं हकीकत या सुन्नत पर अमल कर रहे हैं, ये सुन्नत सरकार की तरफ आके आए थे। सरकार राजी ना होती इस समय तो सुन्नत कैसे होता? वो राजी हो तो सुन्नत करें, तो सुन्नत कहते हैं, तो सुन्नत सरकार के सहाबी थे, चहेते सहाबी थे, साहब पहले उनकी वार्ता का इंतकाल हो गया। वो हजरत मौलाना साहब बेटे दो तरीके थे, न जाहिर पर जाओ ना आदि यहाँ पर सीबीसी
तीसरी बात है, सरकार ने फरमाया है वलदे साले, बोलिए वलदे आलिम नहीं कहा, वलदे साले क्या चीज है, वलदे साले नेक बेटा। अगर किसी ने मरने के बाद नेक बेटा छोड़ा, मसलन एक बहुत बड़ा जाहिल आदमी वो मर गया अपने पीछे बेटा छोड़ गया, अब वो बेटा आलिम हो या जाहिल, अगर वो नेक होगा, अब अगर लगा होगा, अब आप बताइए किसी सहाबी ने जो पैगंबर से तरबियत की हो या सहाबी ने सहाबी से तरबियत की हो, उसके इल्म के बराबर किसी मोती का इल्म हो सकता है? नहीं, नहीं, नहीं। ये तो बात की हमारे लेने लिया हो तो की गई है, आलिम है तो ये मौलाना है, तो ये अल्लामा है, तो ये फाजिल है, तो ये मौलवी साहब है, ये हाफिज साहब है, तो कारी साहब है, और साहबा तो कुल साहब है, उन्हें तो कुरान साहिब कुरान से गलत साहिब कुरान से इल्म कलाम के सामने ले, उनके सामने हुजूर की जात मौजूद थी, तो इल्म है तो या इल्म कलाम हो या इल्म अदियान हो, उनके सामने खुद उसने कई सालों का साथ लिया हो, या सालों का साथ लिया हो जाते रहे सारे थे माँ यह रूपा कैसे गई जो उसी बार उसी 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 यानी के पास बेशक एहसास किया बालदा का एहसास हो गया वो हुजूर के पास आ गया साहब आगे हुजूर की बारगाह नेक थे आगे यानी जब कोई मर्जी सजा दे माँ बाप के नाम पर तो समझ दो कि वो लड़का नेक है चाहे पांच परसेंट नेक है मगर जोर से बोलिए हम सुनियों में चाहे दुनिया परसेंट नेक हो लेकिन कम से कम खाते आप करवाता है सोलह करवाता है दस बार करवाता है बीस बार करवाता है चालीस बार करवाता है वजूहत पर बहस नहीं करेंगे कि पानी की ऊपर बस एक कुएं की वजह ये मांगी और वजह ये बताई कि उनकी वालदा का इंतकाल हो गया है और वो चाहते हैं कि अपनी वालदा के लिए पानी जाने वाला गया अपने अमल के साथ गया तेरा रुपये से पैसे से होगा खरीदेगा कुआं भरवाएगा पूरे का इंतजाम करेगा कोई का इंतजाम करेगा पानी निकलवाएगा लोगों को पिलवाएगा कि सारे अमल जो तू पैसे की बुनियाद पर करेगा अब इसका कोई फायदा तेरी माँ को हासिल नहीं होगा अगर हुजूर मना कर देते तो आज एक सारे सवाब की तरफ ही ना होती पैगंबर राजी रहे उन्होंने कुआं लिया कुएं की जगह पे खड़े हुए और फरमाया कि आए लोगों ऐ लोगों से बात कौन है अब आप बताइए कैसा सवाब उन्होंने जारी किया अपनी वालदा के लिए शरीर पानी पिए तो सवाब पानी में पानी पिए तो सवाब चौदह सौ बरस से ज्यादा हो गए
तो ये हुआ वरंगल सारे नेक बेटा जो सत्रह जारिया करेगा और उसका सवाब उन लोगों को जिनको वो पक्ष देगा उन तक पहुंचेगा। मेरी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? जोर से बोलो। अच्छा, जब हम लोग फातिहा कराते हैं तो खाना रखते हैं कि नहीं रखते? बिरयानी और तो ये सब हम लोग रखते हैं दस्तरखान पर। जर्दा वगैरह भी होता है करके आप और पीजिए संतुलित पानी में। और कहता है शोर में पानी नहीं, चावल में पानी नहीं, रोटी में पानी नहीं है, किस चीज में पानी है? सब में पानी मौजूद है। इसके बावजूद खाली से गिलास पानी अलग से रखता है। आपको घुमा तो नहीं साल कर सकता एक गिलास तो पानी वहां भी साल भर का पानी और पानी को वहां भी रक्त पुत्र का मिला है पहुंचाया और वही रक्त पुत्र का मिला यहाँ भी पहुंचा। बात सामने आ रहे तो करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? आज बोलो करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? आप करते हैं? नहीं। आपका करवा लिया गया? अगर पेटों से उम्मीद ना हो तो अपना पहले करवाए। कुछ हजरत से हो जाए कुल करवाए, कोई जरूरत नहीं है। हाँ कुल होता है, इकट्ठा करो सबका, हम लोग का बुलाओ, फातिहा अपना करवाओ, हम लोग कई कुछ अमल पहुंचाने के लिए किसी के पास उसका इंतकाल करना जरूरी थोड़ी है। हम आज भी कर सकते हैं, हमारा बाप जिंदा है, हमने इस पर से बाप के नाम दे दिया तो बाप को पहले मिल जाए, पहले पहले मिलना लेकिन से मिल जाएगा, इसका ये तो उसके नाम में आवाज मिल जाएगा। और इस साल क्या है, इस साल के लिए कुरान पढ़ना जरूरी थोड़ी है, हम सब मिला कर देखते हैं। उसमें तलावा भी कर दिया, दरूद शरीफ भी पढ़ दिया, कलमा भी पढ़ दिया, वरना एक दर्जन केला खरीद लीजिए रोड पर, दस केला बीवी के लिए रख लीजिए, एक केला भेज दीजिए अपने बुजुर्गों के लिए, दो केला भेज दीजिए, वो बीवी वाला बाप पे पहुंचेगा जब आप पहुंचेंगे किलोमीटर के हिसाब से। लेकिन जो अपने बुजुर्गों के लिए हम देंगे वही केले ही से पहुंचे। आप पूछो स्पीड कैसे फास्ट है, समझ लो जैसे मोबाइल की स्पीड फास्ट है। हम इंतकाल के बाद नहीं जानते कपड़ों में क्या मालूम है किसी को, किसी बेटे को अगर मालूम हो कि माँ बाप के साथ कपड़ों में क्या हो रहा है, दादा दादी के साथ क्या हो रहा है, कहाँ जाएगा? अंदर हड्डियां पड़ी जिनमें आलम बर्तक के अदाब नासिल हो रहे हैं। सही अमल ना होने की वजह से अमाल ऐसी चीज है आलम बर्तक की जान है। तो अब आप बताओ, नहीं चालू ना करो, बंद करके बोलते हैं हमारी मजबूरी। तो बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? हम कब्रस्तानों की तरफ जाते हैं, कुछ जानते हैं कि कब्रों पर क्या हो रहा है? ये अलग बात है कि बड़े अजीबो गरीब सुर्खियों में रुझान पैदा हो गए, जो देखो बुजुर्गों की कब्र की तरफ भागा, गाड़ी लिए भागा जा रहा है, मार्शल मर गई सब बुजुर्गों की बारगाह में भाग का बहुत गौर से सुनिए। भाग पर जाते हैं किस लिए जाते हैं? फातिहा का।
और खबरों पर एक तमाशा और कायम कर दिया अजीब और गरीब, ये झूमने झामने वाला चक्कर जो और इसी तो जिद को भागे चले जा रहे, भागे चले जा रहे खबरों। ठीक है, खबरों पर जाना चाहिए, हम सुननी है, हमको जरूर बुजुर्गों की खबर मिल जाए, बेशक किसी वली की बात आ जाना चाहिए, अपनी मुर्शिदों की चौक पर, अपने आकाओं की चौक पर जाना चाहिए। लेकिन आप बताइए कि हमारे जो मरहूमीन कब्रस्तानों में हमारी तरफ क्या उन पर जुमा और जुमेरात नहीं आती? गौर से बोलिए, बुजुर्गों को तो हमारी जरूरत ही नहीं है, बुजुर्गों को हमारी जरूरत नहीं है, वहां तो हम जाते हैं उनके वास्ते से दुआ मांगते हैं, उनकी बारगाह में हाजिर होते हैं और अर्ज करते हैं, या अल्लाह ये जो साहिब कब हैं इनके वास्ते से हमारी दुआ कबूल। लग लग जाता है, लेकिन जो हमारे मरहूमीन कब्रस्तानों में है जहां साल में एक बार सुन नहीं जाता है शबे बरात, या तो मांगने के बाद ही नजर आता है, पूरे साल तौफीक नहीं कब्रस्तानों की तरफ जाने की, न कब्रों पर मिट्टी डाले, बस वे तुम हो नसारा तो कब्र तुम ने हुजूर ये मुसलमान है कि नहीं देख के शर्माइए, साल में एक बार तो अभी तौफीक नहीं होती तुम्हें जाने की, तुम अपना चार मकान पाए कर रहा, जबकि कब्रों में मौजूद हो तो कम से कम कब्रस्तानों के अंदर में हम तो दूसरा दीवारों के सामने ही खड़े होकर के खुशखबर फरमाई हम को दे। सही कह रहे हैं, यही है उनको हमारी जरूरत है कि नहीं, तो जरूरत बुजुर्गों को ज्यादा है हमारी जरूरत, हमको बुजुर्गों की जरूरत, हमको हमारी जरूरत नहीं है, हमारे जो मरहूम है ये दादा दादी हमारे खानदान के लोग इनको जरूरत है हमारी, क्या हम इनके लिए सोचिए कितनी जरूरत है। सहाबा का जमाना, इनके अमल का हजरत जिला कोई जवाब ही नहीं, उनका सबसे बड़ा अमल तो यही है कि वो हुजूर को देखते, ये दर्जा तो किसी को मिल ही नहीं सकता, आज कोई कितना भी बड़ा मकाम हासिल कर ले, कितना भी बड़ा दर्जा हासिल कर ले, ये मकाम कर सकता है पाएगा नहीं पा सकता। अब आप बताइए हुजूर का जमाना, दौरे सहाबा और साफ जाहिर है कि जो कब्रें बन रही है वो सहाबा की, और जो कब्रें बन रही है वो सहाबा की, ताकि मोरियत निकल जाए, जो मोरियत का रूह पैदा होता है हमारे दिलों में अपने अमान को लेकर, ये हम किसी सहाबी के बराबर नहीं है, न कौल में ना अमल में, न किरदार में ना अमल में किसी के बराबर नहीं है। आप और ये सहाबा का जमाना और हुजूर मौजूद हैं और हमारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को बैठता है, और कोई गैब क्या तुमसे है ना हो वाला, जब खोला ही ना छुपा तुमने करोड़ों तनु, और अल्लाह ताला जब किसी को नबूवत अता करता, किसी को नबूवत अता करता तो उसे देखने और सुनने की ताकत, और नबियों में वो नबी जो लंबेया हो, जिसकी ताकत बशरी की बात करूं तो ये करूं कि हुजूर के की जो ताकत बशरी है वो जारी नबियों में एक लंबी तस्वीर है, उसकी तरफ नहीं जाए। अब ऐसे हुजूर के देखने की ताकत का क्या होगा, एक नबी और रसूल कितना देखता है और कितना देख सकता है, इसको ऐसे सुन लीजिए। जनाब मूसा का मामला है, हजरत मूसा अलैहि सलाम जिनके बारे में अल्लाह ने फरमाया कि उसको देखता है मूसा से पूछे तो आंख वाले की ताकत के राजा सलाम 14 मील के फासले पर काले पत्थर पर काली चूंडी अगर जलती थी तो हजरत मूसा काली राह पर अल्लाह अल्लाह अल्लाह
सुनने की ताकत। एक पैगंबर है जनाब सुलेमान, जो हज़रत दाऊद के बेटे अलैहिस्सलाम, और जनाब दाऊद आले इज़राइल में, आले इज़राइल का ताल्लुक हज़रत इब्राहिम से, आले इज़राइल के जद्दियाला हज़रत इब्राहिम, याकूब तो का दूसरा नाम जनाब याकूब का दूसरा नाम इस्राइल, और उनके बाद में जनाब ईसा, और जनाब ईसा के बाद में जनाब इब्राहिम, ये सब बड़े मुनस्सब लोग हैं। हज़रत सुलेमान इब्ने दाऊद अलैहिस्सलाम तशरीफ ले जा रहे हैं, लश्कर के साथ जा रहे थे, और जनाब सुलेमान का लश्कर बहुत बड़ा था, तो बहुत बड़ा लश्कर ले जा रहे भी थे, खच्चर भी थे, घोड़े भी थे, ऊंट भी थे। हमें तो सोच कभी सभी सोचा जब सब जानवर चलते थे तो उसमें शेर की देख रहे होंगे उसकी हाथ पर, और चिड़िया ऊपर से चुन 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 सब उड़ती रहती, ऊंटों का बेबेरा, आसमान पर चिड़ियों का चहचहाना, ऐसे माहौल में बहुत दूर कुरान कहता है कि बहुत दूर एक चूटी चूटियों से कह रही थी दिलों में धोखा, उसे जनाबे मूसा जनाबे सुलेमान सुन रहे थे। अब प्रश्न मैं कहता हूँ, जब जनाबे सुलेमान के सुनने की ताकत का यह आलम था, तो जनाबे महबूबे इस मौके में इरशाद फरमाया, एक शेर पढ़ दूं, इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं कि दोनों नजदीक के सुनने वाले को दूर नसीब में सुनने वाले वो कान काने लाने कलाना पीना था और खराब। जोर से बोलिए महान अल्लाह, और कसके बोलो महान अल्लाह सुभान अल्लाह, या तो तुम ही बोलो या तो हम ही हमारे लिए दुआ करते हैं के सुनने और देखने की ताकत आ जाएगी। अब जो मैं रवायत पेश कर रहा हूँ उस रवायत को सुनाने से पहले आप पहले इल्म है, और मैं ये नहीं कहता आप नहीं जानते, लेकिन सोचे आप, मैं नहीं कह सकता कि आप नहीं जानते, आपने बहुत दफा सुना होगा, अलग अलग अंदाज से सुना होगा, अलग अलग अंदाज से सुना होगा। मैं आपकी महफिल में आपके अंदाज से बात कर रहा हूँ, हुजूर का गुजर दो कब्रों से, मैंने जैसे कहा सारा मसला आपकी दरबार में है, बिल्कुल और पहुंच गया कि मैं क्या बोलना था। हुजूर का हाँ यही प्रेंडो, परेशान ना हो यही लाइट कर दो इस पूरे हिस्से पर, हुजूर का गुजर जो कब्रों से हुआ तो हुजूर ठहर गए। मैं नहीं कहूंगा अंदर का क्या था, हुजूर ने अंदर देख लिया और हुजूर ठहर गए और अंदर देख लिया, क्या देखा ये पैगंबर, देखने पर वैसे अंदर तक हुजूर
हम नहीं देखते खबर के अंदर हमारे मालदेन किस साल में हुजूर ने हमला कर देखा। उसके बाद हुजूर ने एक शाख उठाया जो हरी थी, उसके दो टुकड़े किए, दोनों कब्रों पर डाला। अब यही से पता चल गया कि अगर हम अपने वालदेन की खबरों पर जाए तो कुछ ना मिले तो खासे उपाल की खबरों पर डालते हैं। जो खास मिले वही उपाल के खबरों पर डाल दिया करो हमारी है, तो जब तक वो खासे हरी रहे। बस साहिब इस्लाम ये खबरों के बारे में है और वो इंसान के बारे में है और मेरे एक बेटे के बारे में है। अल्लाह ताला हमारी औलादों को नेक बनाए और हमारे लिए बाहर बनाए, हमारे बेटों को हमारा खिदमत गुजार बनाए। इसी के साथ हम अपने खुदा करते हैं।